गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया है, हार्डमर्ट्स फैक्टराइजेशन थ्योरम का प्रूफ किया है। अब इसमें क्या हम इस वाले लेक्चर में क्या कर रहे हैं, उसका एग्जांपल कर रहे हैं कि हम यूजिंग हार्डमर्ट्स फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड प्रूव दैट साइन पाई जेड आपके किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। पाई जेड आपका प्रोडक्ट एंड इजिकल टू वन से इन्फिनिटी वन माइनस में जेड स्क्वेयर बाई में एन स्क्वेयर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम साइन पाई जेड की जीरोज हम जानते हैं, साइन पाई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो पाई जेड कहाँ पे होगा, एन, एन पाई के ऊपर क्या हो जाएंगे सारी जीरोस, तो पाई से पाई कैंसिल, जेड की वैल्यू क्या आ जाएंगी एन प्लस माइनस, ठीक है। एन आपका किस में जाता है, आपके नेचुरल में, तो जेड की जीरो जब आपकी क्या होगी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू आपकी ये वाली। लेकिन हम यहाँ पे जीरोज कौन सी लेके चल रहे हैं, नॉन जीरो वाली, नॉन जीरो वाली आपकी क्या हो गई प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री वाली। अब आपके पास क्या कह रहे हैं, सिंस द सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन बाई में एन, ठीक है, ये वाली आपकी क्या होती है डाइवर्ज होती है, वो समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन बाई में एन स्क्वेयर, ये वाली आपकी क्या होती है कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट पी की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन होती है तो आप क्या कहते हो कन्वर्ज रहेगी, पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन होती है तो हम क्या कहते हैं ये आपकी क्या रहेगी डाइवर्ज। तो यहाँ पे पी की ग्रेटर देन टू है कन्वर्ज हो जाएगी, और ये पी की इसके वन के इक्वल है तो ये आपकी क्या हो जाएगी डाइवर्ज, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट समेशन वन बाई में प्लस माइनस एन, और इसकी पावर क्या ले ली इसने पी प्लस में वन, और पी की वैल्यू क्या ली है वन, तो आपकी ये वाली जो सीरीज रहेगी ये क्या रहेगी कन्वर्जेंट, क्योंकि मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो आपका क्या एन पॉजिटिव रहेगा और इसकी पावर क्या है पी प्लस वन, पी आपका वन है तो आपकी हमेशा क्या रहेगी पी स्क्वेयर पी थ्री पी क्यूब पी फोर ये वाली वैल्यू आएंगी, पी से ग्रेटर देन वन हो गई तो ये आपकी क्या रहेगी हमेशा कन्वर्जेंट, तो आप इसको क्या बोलोगे ये आपकी क्या रहेगी आपकी कन्वर्जेंट, ठीक है। फिर हमने क्या जब कैनोनिकल प्रोडक्ट किया, कैनोनिकल प्रोडक्ट की आपने क्या डेफिनेशन की है तो उसमें जीनस लिया है, तो वही कह रहा है कि प्लस द जीनस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका कैनोनिकल प्रोडक्ट का होगा वो क्या रहेगा वन, यानी एच की वैल्यू क्या दी है इसने वन दी है यहाँ पे। थस द क्रोनिकल प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद नॉन जीरो जीरोज ऑफ साइन पाई जेड इज ऑफ द फॉर्म, कि आपका क्रोनिकल प्रोडक्ट क्या एसोसिएट रहेगा नॉन जीरो जीरोज से, आपका क्या इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। हमने थ्योरम में भी बताया था वेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम से आपके जो पी जेड होता है वो कैनोनिकल फॉर्म इस तरीके से होती है, तो आपका पी जेड किसके इक्वल आ गया एन आपका क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि आपकी ये रही टर्म्स, ठीक है, प्लस वन से लेके प्लस वन भी है माइनस वन भी और इन्फिनिटी तक जा रही है, इसी तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और लेकिन एन आपका क्या आपने जीरो नहीं लिया नॉन जीरो लिए, ठीक है, वन माइनस में जेड बाई में एन इरेज टू पावर जेड बाई में एन। अब यहाँ पे आपके पास क्या ये प्रोडक्ट है नेगेटिव का भी है पॉजिटिव का भी, हम एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो वन माइनस में जेड बाई में एन इरेज टू पावर जेड बाई में एन, दूसरी क्या है एन इज इक्वल टू वन से माइनस में इन्फिनिटी तक थी माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी वन माइनस जेड बाई में एन। अब यदि आप एन की वैल्यू को चेंज कर दो एन की वैल्यू नेगेटिव में लेने लग जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव से आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एन की वैल्यू आपके पास ये क्या बनेगा एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन माइनस में जेड बाई में एन इंटू में ई रेज टू पावर जेड बाई में एन, एन को हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एन से, तो आपका ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सारे नेगेटिव वाले पॉजिटिव में हो जाएंगे, कहाँ से वन से इन्फिनिटी वन ये आपका क्या हो जाएगा जेड बाई में एन, क्योंकि एन क्या हो गया माइनस में ई रेज टू पावर माइनस में जेड बाई में एन, ये आपका ए माइनस बी प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ये आपका क्या वन माइनस में जेड स्क्वेयर वाई में एन स्क्वेयर, और ये आपका दोनों कैंसिल आउट होके क्या ई रेज टू पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, आपका ये आ जाएगा पी जेड कैनोनिकल फॉर्म की आपकी। इसके बाद हम क्या करेंगे साइन जो पाई जेड है, अब यहाँ पे लिमिट लगाओगे, लिमिट आपकी क्या एन टेंस टू आपका जो ऑर्डर होता है आपने निकाला था साइन साइन पाई जेड का, हम ऑर्डर निकालेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा वन, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रो की वैल्यू आपके पास वन है। अब जेड इज इक्वल टू जीरो ये आपके पास क्या सिंपल जीरो है आपके साइन पाई जेड की, तो जो हार्डवर्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम आपने की है हार्डमर्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ साइन पाई जेड, उसमें कैसे लिखोगे आप साइन
वाई जेड को कैसे लिखेंगे, जेड, क्योंकि जेड माइनस में जेड आप इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आपकी सिंपल जीरो है, तो जेड आपका ई रेज टू पावर जी जेड, और कैनोनिकल फॉर्म, और वो कैनोनिकल फॉर्म आपकी किसके इक्वल आ गई, एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन माइनस में जेड स्क्वेयर वाई में एन स्क्वेयर, ये आपकी क्या आई, आपकी कैनोनिकल फॉर्म आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जी जेड है, आपने थ्योरम की थी कि जो जी जेड है इसकी डिग्री आपकी किससे, रो से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, इसके ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री आपकी रो से ज़्यादा नहीं होती, रो आपकी किसके इक्वल है वन, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका, तो यहाँ से जी जेड की वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री आपकी वन से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है वन, तो जी जेड आप किसके फॉर्म में होगा, ए नोट प्लस में ए वन जेड की, ठीक है। आपके पास ये आ गई जी जेड की वैल्यू, इस जी जेड की बजाय अब आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो साइन पाई जेड को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई जेड जेड इंटू में ई रेज टू पावर ए नोट प्लस में ए वन जेड हो जाएगा, एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन माइनस में जेड स्क्वेयर वाई में एन स्क्वेयर, आ गई आपके पास ये। अब इस जेड को हम इधर लेके आना चाह रहे हैं, तो इधर ये बात तो मुझे गई, ये आ गई आपके पास, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट की वैल्यू लगा रहे हैं जेड टेंस टू जीरो, लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड बाई में जेड, इधर भी लिमिट जेड टेंस टू जीरो ई रेज टू पावर ए नोट प्लस में ए वन जेड, ठीक है। और फिर आपका ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर भी लगेगी, अब देखो आपका इस प्रोडक्ट के ऊपर जब ये लगी है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो सिर्फ आपके पास क्या बचे, ए नोट टू पावर ए नोट, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा जेड इंटू जीरो इंटू में वन क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। वन माइनस में है, यहाँ पे जेड जीरो करोगे जीरो बाई में एन स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, वन माइनस में जीरो वन, वन का कितनी बार प्रोडक्ट कर लो क्या आएगा वन, तो आपके, और ये क्या है साइन जेड बाई में जेड, ठीक है, ये सॉरी साइन आपका क्या है पाई जेड है, तो साइन पाई जेड है, साइन जेड वाई में जेड, जेड टेंस टू जीरो तो क्या होती है वैल्यू वन हो जाती है आपकी। अब यहाँ से क्या करेंगे पाई के साथ इंटू में पाई, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से डिवाइड कर दिया, साइन पाई जेड बाई में पाई जेड, ये वाली वैल्यू अब आपकी क्या हो जाएगी वन, तो आपके पास ये क्या आ गया पाई, पाई किसके इक्वल आ गया आपके ई रेज टू पावर ए नोट, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू आप इस वाले अपने फंक्शन में पुट अप कीजिए, आपके साइन के क्या आ गए साइन पाई जेड आपका बाई में जेड, ठीक है, ई रेज टू पावर ए नोट है, इसकी बजाय क्या पुट कर लोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो e रेज टू पावर a नोट प्लस में a1 z है, e रेज टू पावर a नोट इंटू में e रेज टू पावर a1 z, ठीक है। e रेज टू पावर a नोट की वैल्यू पाई आ गई तो आप क्या लिखे हो पाई इंटू में e रेज टू पावर a1 z, यही हम लिख रहे हैं पाई इंटू में e रेज टू पावर a1 z, और आपका जो कैनोनिकल प्रोडक्ट है वो, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो हमें आपकी वैल्यू अब क्या निकालनी, a1 की वैल्यू और निकालनी है, a1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि z की वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दो माइनस z से, z को रिप्लेस कर रहे हैं हम माइनस z से, ठीक है। जब z को माइनस z से रिप्लेस कर रहे हैं तो साइन पाई, ये माइनस में z, ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस में पाई z हो जाएगा, ठीक है, नीचे माइनस में z पाई e रेज टू पावर माइनस में ए वन जेड, प्रोडक्ट आपका है ये आ जाए क्या आ जाएगा वन माइनस में जेड का, माइनस जेड का स्क्वेयर करोगे तो भी क्या रहेगा जेड स्क्वेयर वाई में एन स्क्वेयर, ठीक है। अब आपको पता है साइन आप जेड आपका कौन सा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस में साइन एक्स, तो आप इसको माइनस में साइन पाई जेड वाई में माइनस में जेड, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास क्या गया पाई ई रेज टू पावर माइनस में ए वन जेड पाई वन माइनस में जेड स्क्वेयर वाई में एन स्क्वेयर, ठीक है। अब साइन पाई जेड बाई में जेड की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ये दोनों आपके इक्वल है, दोनों से आप क्या कह सकते हो कि आपके यहाँ से इस साइन पाई जेड बाई में जेड की वैल्यू ये रखो, यहाँ से क्या पाई ई रेज टू पावर ए वन जेड, और आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल, इधर पाई ई रेज टू पावर माइनस में ए वन जेड, आपका जो प्रोडक्ट है
ठीक है, ये प्रोडक्ट ये कैंसिल पाई से पाई कैंसिल आपके पास क्या आ गया, ई ए वन जेड इज इक्वल टू ई माइनस में ए वन जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, नेगेटिव ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई ए वन जेड आपके ये किसके वन बाई में ई ए वन जेड, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे आपके पास क्या बन जाएगा, ई ट्वाइस ऑफ ए वन जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है। इस वन को आप क्या लिख सकते हो, ई जीरो इंटू में जेड, ठीक है। अब आप जीरो इंटू में जेड ये क्या हो जाएगा, जीरो ई की पावर जीरो आपके पास क्या होती है वन, ठीक है, वही आपने लिखा है। फिर आप यहाँ पे इनके पावर्स को इक्वल करोगे, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल पावर्स इक्वल टू क्या हो गया टू ए वन जेड, आपका जेड इक्वल क्या आ जाएगा जीरो इंटू में जेड, सॉरी आपकी जीरो के इक्वल है, तो ए टू वाइस ऑफ ए वन किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के। अब टू तो आपका जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या कि ए वन की वैल्यू आपके पास क्या है जीरो। अब ए वन की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो आपके इसमें, तो आपके पास ये जीरो आके साइन पाई जेड बाई में आपके पास क्या आ गया साइन पाई जेड की वैल्यू आपके पास क्या, और बाई में क्या है जेड, ये आपके पास क्या आ गया पाई इंटू में आपके ई रेज टू पावर ए वन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा वन, और सिर्फ ये बचेगा आपका प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन माइनस में जेड स्क्वेयर बाई में एन स्क्वेयर। आपको क्या साइन पाई जेड बताएं तो जेड को आप फिर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा ये पाई जेड पाई की पावर एन स्क्वेयर टू इन्फिनिटी वन माइनस में एन स्क्वेयर बाई में एन स्क्वेयर, यही आपको ये वन है, ठीक है, हो जाएगा ये आपका ये वाला एग्जाम्पल है यहीं तक।